अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ विद मी चैनल में आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है और इसको घर में आसानी के साथ में बना सकते हैं। लंच के बाद में या डिनर के बाद में सर्व कर सकते हैं। सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है एक खाने के तौर पर, मतलब एक मीठा खाने का जो मन होता है वो आप इसके साथ में सर्व करेंगे, इसको सर्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। ठंडा आप इसको सर्व कर सकते हैं, फ्रिज में रख कर ठंडा कर लीजिए, या फिर आजकल का जो मौसम है ये बहुत ज़्यादा सही चल रहा है, इसे आप बाहर भी रहने देंगे तब भी ये सही रहेगा। मतलब बहुत ज़्यादा ना तो ये ठंडा होगा ना ही ये गर्म होगा, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसके लिए हमें कुछ फ्रूट्स की ज़रूरत होगी, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतना आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा ले के रखे हुए हैं, इनको हम बाद में कट करेंगे क्योंकि अगर हम पहले से कट करके रख लेंगे तो इनका कलर थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो सबसे पहले हमें कस्टर्ड की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और ये मैंने वनीला का लिया है, वनीला फ्लेवर का लिया है। आप किसी भी फ्लेवर का जो आपको पसंद हो वो फ्लेवर ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे कच्चा दूध ले लिया है, ये मैंने हाफ बाउल के करीब कच्चा दूध बचा कर रखा हुआ है। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ शुगर ले ली है, शुगर को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें थोड़े से अनारदाने की ज़रूरत होगी, इसका टेस्ट तो ज़्यादा वो नहीं है लेकिन इसे जो कलर आता है ऊपर डालने से जो गार्निश होती है बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 टेबल स्पून अनारदाने को छील करके रख लिया है। और इसके अलावा हमने 1/2 लीटर दूध लिया है, इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। इसके हम बॉईल आने का वेट करेंगे, तब तक हम अपने कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा सा दूध डाल करके इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, मतलब इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। दूध में हमारे उबाल आने लगा है, इधर हमने कस्टर्ड को घोल करके तैयार कर लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और चम्मच से इसमें चलाते जाएंगे। गैस का फ्लेम इस वक्त तो हाई है, मैं थोड़ी देर के बाद मैं इसको बिल्कुल स्लो कर दूंगी। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर, इसको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून फुल भर कर ले ली है। कस्टर्ड को पकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया है, तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए और अच्छी तरीके से ये पक भी जाए। कस्टर्ड को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा थिक हो गया है, मुझे इसे ज़्यादा थिक नहीं करना है इसीलिए मैंने इसके अंदर जो पाउडर है वो थोड़ा कम ही यूज़ किया है। आप थिक अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम ठंडा हो जाने देंगे, तब तक हम सारे फ्रूट्स जो हमने लिए हैं उनको हम कट करके रख लेंगे। फ्रूट्स में हमने लिए हैं बनाना, एप्पल, ऑरेंज, गुआवा लिया है, यहाँ पर हमने बेर ले लिए हैं, साथ ही हमने पपीता लिया है और यहाँ पर हमने सरदा लिया है, इनको हमने कट कर लिया है। बाकी की चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा कट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, अगर इतने ज़्यादा कट करेंगे तो ये कम रह जाएगा, तो मुझे थोड़ा ही बनाना था इसलिए मैंने इनमें से हाफ हाफ चीज़ों को कट कर लूँगी, मतलब 2 टेबल स्पून फुल भर भर के इस तरीके से मैं इसको कट कर लूँगी। फ्रूट्स को हमने कट करके रख लिया है, साथ ही हमने यहाँ पे गार्निश करने के लिए लिए हैं काजू, बादाम और यहाँ पे किशमिश ले ली है, क्योंकि मेरे पास अंगूर नहीं है तो मैंने यहाँ किशमिश ले ली है। साथ ही हमने अनार के दानों को धो लिया है और कस्टर्ड को हमने ठंडा कर लिया है। अब इसके अंदर हम यूज़ करेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम, ये मेरे पास वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम रखी हुई है, ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर लें, नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही बनाया जाता है बिल्कुल इसी तरीके से। और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब आइसक्रीम ताकि ये ठंडी भी हो जाए, रिच भी हो जाए, इससे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हम यहीं पे मिक्स कर लेंगे। आइसक्रीम को हमने मिक्स कर लिया है, अब इसके अंदर हम सारे फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ पर गुआवा दिखाया था लेकिन हमने उसको कट नहीं किया क्योंकि उसके अंदर बीज होते हैं, ये मुझे बाद में ख्याल आया तो मैंने उसको ऐड नहीं किया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसी में हम थोड़ा सा अनारदाना भी ऐड कर लेंगे, अनार को थोड़ा सा गार्निश के लिए बचा देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से किशमिश ऐड कर लेंगे, थोड़े से बादाम ऐड कर लेंगे और थोड़े से हम काजू ऐड कर लेंगे, बाकी के हम गार्निश करने में यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसको कर लेंगे एक बाउल के अंदर। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ है हमारा, ये बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, वैसे तो बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते, कुछ अलग अलग चीज़ों के साथ में दूध भी चला जाता है और उनके हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है ये सारी चीज़ें। अब इस पर हम डाल देंगे किशमिश, बादाम और काजू।
तो आप भी इस आसान से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कस्टर्ड की रेसिपी को, फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी को आप अपने घर में ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ में एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में एंजॉय करें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है, लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल रेसिपीज़ विद मी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।